यानी जब वो सर्वसमर्थ असमर्थ बन जाता है जीवों के प्रेम के आगे, वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ बन जाता है, वो सर्वशक्तिमान अशक्त बन जाता है, ये रूप रस देता है। और भगवत्ता जहां है वहां उसमें रस नहीं, वहां तो भय लगेगा, दूरी हो जाएगी, संकोच हो जाएगा। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, लेकिन तब भी अर्जुन कांपने लगा, उस रूप को देख नहीं सका। तो अगर ऐसे ही वो रूप दिखा दिया जाए बिना दिव्य दृष्टि दिए, तो ये सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए, कौन उनके तेज को सहन कर सकता है? कौन सी पृथ्वी उनके भार को सह सकती है? कौन सा कान उनके शब्द की आवाज सह सकता है? भगवत्ता में, ऐश्वर्य में सुख नहीं होता, माधुर्य नहीं होता। माधुर्य वहां है जहां भगवत्ता समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान को भगवान न मानो तो जी क्या माने फिर? अभी तक तो हम यही समझते थे कि श्री कृष्ण भगवान है और हम जीव हैं। ना 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 ना, अपने आप को जीव भी मत मानो, श्री कृष्ण को भगवान भी मत मानो और अपने आप को जीव भी मत मानो। तो फिर क्या माने जी? पांच भावों में आ जाओ। शांत भाव, इससे ऊंचा दास्य भाव, इससे ऊंचा सख्य भाव, इससे ऊंचा वात्सल्य भाव, इससे ऊंचा माधुर्य भाव, सबसे ऊंचा। भगवान मेरे राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूं, ये शांत भाव। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये दास्य भाव। और वे मेरे सखा हैं, मैं उनका दोस्त हूं, लंगोटिया यार, ये सख्य भाव। वे मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी मां हूं या बाप हूं, वात्सल्य भाव। और वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूं, ये माधुर्य भाव। ये पांच भाव उपासना के लिए हैं। उपासना, उपासना माने क्या होता है? उप आसना, यानी श्री कृष्ण के पास जाना, पास जाकर बैठना। तो पास जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना। कैसे जाओगे पास श्री कृष्ण के? कोई रोड चाहिए, कोई पगडंडी चाहिए। हाँ, तो ये पांच प्रकार की रोड हैं, पगडंडियां हैं, जिन पर चल करके तुमको श्री कृष्ण के पास पहुंचना है। तो इनमें सबसे पहले लीजिए शांत भाव। ये शांत भाव बहुत दूरी का नाता है। वे मेरे राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूं। अब प्रजा को बस इतना अधिकार है कि कभी राजा साहब की सवारी निकलेगी तो प्रजा उनका दर्शन कर लेगी दूर से, और कोई अधिकार नहीं। नाता तो है राजा से, रिश्ता तो है, लेकिन बहुत दूरी का रिश्ता है। तो ऐसे ही ये शांत भाव के जो उपासक होते हैं, ये बहुत दूरी का नाता है इनका भगवान से। ये भगवान की उपासना के लिए होता है ये शांत भाव, जो मैंने आपको बताया ना कि श्री कृष्ण का एक अंश है भगवान, जिनको महाविष्णु कहते हैं। ये महाविष्णु के उपासक, शांत भाव के उपासक होते हैं, चार भुजा वाले की उपासना करते हैं ये। तो इन्हें भगवत प्राप्ति होगी, ये बैकुंठ जाएंगे, लेकिन बस जैसे राजा और प्रजा के बीच में बहुत दूरी होती है, इसी प्रकार का बस संबंध रहेगा भगवान से।
वो दूर बैठे रहेंगे महाविष्णु महालक्ष्मी गंभीर, जैसे आप लोग ऑफिस में बैठते हैं बहुत गंभीर, बस इस प्रकार वो बैठे रहेंगे, बस दूर से कभी कभी उनके दर्शन कर लो, बस इसके आगे आपको कोई अधिकार नहीं होगा कि आप उनके पास जाएं और उनकी कोई सेवा आदि करें, कुछ नहीं मिलेगा ये सब अधिकार। उनके अपने पार्षद हैं, वो लोग सेवा करते हैं, आपको ये सब अधिकार सेवा वगैरह का नहीं मिलेगा। आप तो बस जैसे वो प्रजा राजा की सवारी निकली तो उसने दूर से दर्शन कर लिए, ऐसे ही बस वो दूर बैठे रहेंगे महाविष्णु महालक्ष्मी बिल्कुल गंभीर सीरियस बने हुए, उनके दूर से दर्शन कर लीजिए बस। तो भक्तों ने रसिकों ने इस भाव को उपासना के क्षेत्र से निकाल दिया। ये भी कोई भाव है? अनंत जन्मों बाद तो भगवान की प्राप्ति हो, अपनी आत्मा की आत्मा मिले, अपने इष्ट देव मिले, और वो भी ऐसे जैसे कोई गमी मना रहे हो, इस प्रकार सीरियस बैठे हुए, तो इस भाव से भी हमको नहीं जाना है। इसमें रस नहीं, ऐश्वर्य है इसमें, ये भगवान की उपासना होती है इस शांत भाव से। अब इससे ऊंचा आता है दास्य भाव। दास्य भाव में दो भाव आ जाते हैं, वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये भाव तो है ही, लेकिन जब चाहे उनको अपना राजा मान लो, शांत भाव में चले जाओ। तो दास्य भाव में दो भावों का समावेश हो गया, दास्य भाव और शांत भाव। अब दास्य भाव से ऊंचे सख्य भाव में तीन भाव आ जाते हैं, जब चाहे उनको अपना सखा मान लो, जब चाहे उनको अपना स्वामी मान लो, जब चाहे उनको अपना राजा मान लो। यानी ऊपर का भाव नीचे के भावों को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। नीचे के भाव में ऊपर का भाव नहीं आएगा, लेकिन ऊपर के भाव में नीचे का भाव आ जाएगा। शांत भाव में केवल एक भाव है शांत भाव, लेकिन उससे ऊंचे दास्य भाव में दो भाव आ गए, शांत भाव दास्य भाव, और उससे ऊंचे सख्य भाव में तीन भाव आ गए, शांत भाव दास्य भाव सख्य भाव। यूं समझिए, एक तहसीलदार है, एक डिप्टी कलेक्टर है और एक कलेक्टर है। तो डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ सकता है, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ सकता है, वो अधिकार है, क्योंकि तहसीलदार की पोस्ट डिप्टी कलेक्टर से नीचे है, लेकिन कलेक्टर की पोस्ट डिप्टी कलेक्टर से ऊपर है, तो उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर भी बैठ सकता है, तहसीलदार की कुर्सी पर भी बैठ सकता है। तो ऐसे ही ये ऊपर के भाव में नीचे के भाव समाविष्ट हो जाते हैं। तो शांत भाव में केवल एक भाव, वे मेरे राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूं, और इससे ऊंचे दास्य भाव में दो भाव आ गए, जब चाहे भगवान को अपना स्वामी मान लो, जब चाहे उनको अपना राजा मान लो। इससे ऊंचे सख्य भाव में तीन भावों का समावेश हो गया, वे मेरे सखा हैं, और जब चाहे स्वामी मान लो और जब चाहे राजा मान लो। और इससे ऊंचे वात्सल्य भाव में चार भाव आ गए, जब चाहे उनको, यानी वो मेरे पुत्र है, मैं उनकी माँ या बाप हूं, ये वात्सल्य भाव, लेकिन जब चाहे सख्य भाव में चले जाओ, उनको अपना सखा मान लो, जब चाहे दास्य भाव में चले जाओ, उनको अपना स्वामी मान लो, जब चाहे शांत भाव में चले जाओ, उनको अपना राजा मान लो। और सबसे ऊंचा है माधुर्य भाव, उसमें पांचों भाव आ जाते हैं, वे मेरे प्रियतम, मैं उनकी प्रेयसी, ये माधुर्य भाव, लेकिन जब चाहे उनको अपना बेटा मान लो, जब चाहे उनको अपना सखा मान लो, जब चाहे उनको अपना स्वामी मान लो, जब चाहे उनको अपना राजा मान लो, इसमें पांचों भाव आ गए। देखिए, यूं समझिए कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच तत्व होते हैं ना, हाँ, तो आकाश में केवल एक तत्व है आकाश, बस
और वायु में दो तत्व हैं, वायु आकाश, और तेज में तीन तत्व हैं, तेज वायु आकाश, और जल में चार तत्व हैं, जल तेज वायु आकाश, और पृथ्वी में पांचों तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ऐसे ही माधुर्य भाव में पांचों भाव हैं, वो मेरे प्रियतम भी है, वो मेरे बेटे भी हैं, वो मेरे सखा भी हैं, वो मेरे स्वामी भी हैं, और वे मेरे राजा भी हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ रसिक माधुर्य भाव का रसिक कहलाता है, सर्वोत्कृष्ट। इसी माधुर्य भाव से हमको प्यार करना चाहिए। अरे जब परिश्रम करना ही है, मेहनत करनी ही है, तो सबसे बड़ी चीज मिले हमको, पछताना क्यों पड़े हमको बाद में? अगर हम नीचे के भाव से प्यार करेंगे तो वहीं अटक जाएंगे, फिर हम उससे ऊंची चीज को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और फिर अनंत काल के लिए एक बार जो चीज मिल गई वो मिल गई, फिर हम जो है पछताएंगे कि अरे देखो हम ऊपर नहीं जा सकते, वो अधिकार हमको नहीं प्राप्त है। अब माधुर्य भाव में रहेंगे तो सर्वत्र हमको अधिकार प्राप्त होगा, माधुर्य भाव में पांचों भावों का समावेश है। और दास्य भाव वाला तो बेचारा सख्य भाव में भी नहीं जा सकता, वो केवल दास्य भाव और या उससे नीचे शांत भाव में बस। और दूसरी बात, ये दास्य भाव, इसमें बड़ी मर्यादाएं होती हैं, जिनका पालन करना ये किसी के बस का है नहीं। यहां तक कि वो हनुमान जी ही क्यों ना हो, लक्ष्मण जी क्यों ना हो, भरत क्यों ना हो, ये भी दास्य भाव की मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, इतना कठिन है वो दास्य भाव। देखो स्वयं भरत जी कह रहे हैं, सिर बल चलाऊं धर्म आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। बड़ा कठोर है ये सेवक धर्म, क्योंकि जहां जहां स्वामी का चरण पड़े वहां वहां दास का सिर पड़ना चाहिए, ये दास की मर्यादा है। अब भला बताओ कोई भी दास इस मर्यादा का पालन कैसे करेगा? अरे बहुत से बहुत कमाल कर लिया लक्ष्मण जी ने, तो यहां तक कर लिया कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सीय राम पद अंक बराए, लखन चलही मग दाहिन लाए। सीताराम के चरणों को, चरण चिन्हों को बचा बचा करके चलते थे लक्ष्मण जी, बहुत सावधानी पूर्वक, कि जहां सीताराम के चरण पड़े हैं वहां हमारा पैर न पड़ जाए, दाएं बाएं बचा बचा करके चलते थे। ये बात भी खाली सुन लीजिए, ये भी करने की नहीं है, इसका पालन भी कोई कैसे करेगा? लक्ष्मण जी ने कर लिया बस, क्योंकि जहां प्यार उमड़ेगा स्वामी के लिए वहां फिर उसको होश रहेगा कि मैं कौन हूं, कहां मेरा पैर जा रहा है, कहां मैं जा रहा हूं। अरे देखो सुतीक्ष्ण जी महाराज के बारे में आपने रामायण में पढ़ा होगा, ये भी दास हैं भगवान के, लेकिन जब सुना राम आ रहे हैं तो राम आ रहे हैं ये सुनने मात्र से ऐसी दशा हो गई कि दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊ कहा नहीं बूझा। मैं कौन हूं, कहां मेरे पैर पड़ रहे हैं, कहां मुझे जाना चाहिए, कहां चल रहा हूं मैं, कोई होश नहीं। तो कैसे कोई मर्यादा का पालन करेगा? इसीलिए
हमारे शास्त्रों में लिखा कि सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्यगम्य। ये सेवक धर्म इतना कठिन है कि योगी लोग जिनका मन उनके वश में है वो भी इस सेवक धर्म का आचरण नहीं कर सकते, इसकी मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते। ये जो आप लोग सुनते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर, देखो भगवान राम नीचे बैठे हैं पेड़ के नीचे, और जो उनके दास लोग हैं हनुमान जी वगैरह ये ऊपर बैठे हैं, ठीक भगवान के सिर के ऊपर, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान राम, और उसी पेड़ के ऊपर उसी डाली पर वो बैठे हुए हैं हनुमान जी वगैरह वानर, जो एकदम सिर के ऊपर बैठे हैं। भला बताओ, जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए, और यहां ये हालत है कि स्वामी तो बैठा है नीचे और ये दास लोग बैठे हैं ऊपर खोपड़ी पर। हाँ, लेकिन उनको होश नहीं है कि हम दास हैं, वो स्वामी के प्रेम में इतने विभोर हो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि हम कौन हैं। देखिए संसार में भी जहां मर्यादा का उल्लंघन होता है वहां ये उदाहरण दे दिया जाता है, प्रभु तरु तर कपिडार पर। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये प्रेम समाधि की अवस्था में हनुमान जी वगैरह ने ऐसा किया, होश में नहीं किया। अगर होश में कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो अपराध हो जाएगा। प्रेम समाधि की अवस्था में ये क्षम्य है, इतना प्रेम बढ़ा हनुमान जी का कि ज्ञान उसमें लीन हो गया। उन्हें होश ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहां बैठे हैं और हमको कहां बैठना चाहिए।